रोशन शिमला चलो। बकचोदी ना करो प्लीज भाई, कपड़ा रहना चाहिए ना, शिमला जा रहा है तो मजाक कर ही है यार, शिमला जा रहा है। A few moments later. गाज लड़ाई झगड़ा के बावजूद हम लोग अब चल रहे हैं शिमला, एंड शिमला नहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अभी तक प्लान नहीं बना है, अब तो बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर कहीं तो जा रहे हैं। उससे पहले अपन लोग चलते हैं और सबसे पहले करें तो ये रोशन लीफ लगा रहा, लगा कहाँ का अननाउन रोशन, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं आज, पता नहीं बस जा रहे। स्मित भाई बाय 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 बाय, मीट यू सून गाइस, बाय 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 बाय, ओके भाई 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 चल ओए चल ले गाइस। तो ये पहुंच गए हम लोग मुलाना, ये रहा एमएम कॉन्टिनेंटल, उसके बाद ये रहा रोशन बाबा। रोशन बाबा सबसे पहले ऑटो का हिसाब क्लियर करेगा, उसके बाद यहाँ से हम करेंगे बस का इंतजार, उसके बाद चलेंगे भाई। रोशन बाबू ये बताइए अभी तक बस क्यों नहीं आए हैं? टाइम होगा तभी तो आएंगे, तू तो बोला 8:10 में बस आ जाएगी, जल्दी चलो 8:20 तक पक्का आ जाएगी। हाँ रह फिर भैया अम्बाला, एक्सक्यूज मी सर, अम्बाला 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 रुक जाओ, कोई तो रुक जाओ, बिना पैसे के आज घूमेंगे अपन लोग। तो गाइस बस का इंतजार बहुत ही ज्यादा हो चुका है, अपन लोग ने लिया अपनी छोटी सी BMW में जा रहे हैं, इसे बोलते हैं छोटी वाली BMW, इसका भाई इसमें कमर हाथ पैर और पता नहीं क्या क्या टूट जाता है, तो बस हम लोग चल। ये हो गई हमारी गाड़ी बंद, हाय 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 मजा आ गया गाइस। ये जंगल से सुनसान रास्ते पे हमारी गाड़ी हो चुकी है बंद, एंड ये रोशन अकेले बैठ के आए हाय हाय क्या कर रहा है, मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं आ जाएगा आगे, तो धक्का दियो भाई, ओ खींचने वाली है क्या, आए यार रोशन खींचियो बैठ के फिर, 1 2 3 ये हो गई गाड़ी स्टार्ट, फिर से हो गए यार ऑटो बंद यार, ये यार उस टाइम आपको सोचना चाहिए इतन भैया यार, सर हाउ आर यू फीलिंग, मजा आ रहा है, एडवेंचर कर रहे हो, जिंदगी जिंदगी क्या अलग है आपके, हाँ अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, सही बात है यार, जब भी मैं बाहर जाता हूँ जिंदगी का। हेलो गाइस, देखो तो एडवेंचर आशीष बोल रहा था, एडवेंचर करना है लाइफ में, बहुत ज्यादा एडवेंचर कर रहा है ये, देखो नो 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 रोहन तुझे नहीं लग रहा है कि मतलब ये फिल्म वाला सीन चल रहा है ऐसे ही, मतलब कि फिल्म में स्कैम होता है, मान लो कि उसमें हमारा DSLR इतना सामान पड़े हुए हैं, एंड वो लोग बोल रहे कि तेल खत्म हो गया, देखो वो लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, एंड ये भैया भी सवारी है, तो हम लोग मान लो कि हम लोग को पीछे छोड़ के वो आगे लेके जाएगा, गाड़ी स्टार्ट ना करके भाग जाए DSLR पड़े गाइस। तो ये अंधेरे में ऑटो वाला पता नहीं कहाँ चल गया, बोला था ही पहले ही फिल्म का सीन लग रहा है, मेरे को लग रहा सामान लेके उड़ गया वो। रोशन आ गया आगे सेकेंड नंबर थर्ड नंबर पे जा रहा है, मैं पीछे 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 जा रहा हूँ, पता नहीं यार बहुत ही जिंदगी का, पर सच बोलूँ ना यार लाइफ का एडवेंचर ऐसा ही होना चाहिए यार, जिंदगी में कुछ ना कुछ घटना घटनी चाहिए, अगर नहीं घटेगी फिर मज़ा नहीं ना आएगा, समझ रहे हैं भाई, सच बताऊँ पसीना पसीना पूरा बॉडी हो गया है, एकदम नहा ही लिए हैं समझो तो, अब भाई यार नहीं आता यार, काश मेरी गर्लफ्रेंड रहती अपने को हाथ पकड़ के वो काम कर देती है। तो आ चुके हैं हम लोग अम्बाला, सबसे पहले हमें ढूंढना होगा फेविक्विक की दुकान जिससे इसको मैं कर सकूँ अटैच, क्योंकि ये वही फेविक्विक का शॉप किधर मिलेगा रोशन, मिल जाएगा है नहीं, चलते हैं सबसे पहले फेविक्विक की शॉप पे, एंड फेविक्विक लेंगे अंकल, फेविक्विक क्या चिपका देते पीछे, हम लोग से अच्छे तो हो नहीं रही थी, तो ये भैया हेल्प कर दी हम लोग का, हाँ अब लग रही हो जाएगी यार। तो गाइस ये दिल्ली से मनाली, पर मनाली में चिप टूटा है बांध, फिर भी हम चलेंगे मनाली, मनाली देखते हैं क्या सीन है, मनाली नहीं होगा तो घूम के आ जाएंगे, मनाली का पता नहीं क्या सीन है, पर मनाली में भी अपन लोग जाएंगे, मनाली से घूम के आएंगे, शिमला का बस तो मिल देख लेते हैं मनाली का क्या सीन। गाइस तो मूड हो चुका है चेंज, अब अपन लोग मनाली नहीं गए शिमला जाएंगे, इससे पहले अपन लोग चलेंगे चंडीगढ़,
चंडीगढ़ जाने के लिए अपन लोग का बस कि अपनी बस तो चल पड़ी थी अपनी मंजिल की ओर, पर पता नहीं कहाँ लेके जा रही थी। अभी तो बस चंडीगढ़ का टिकट था अपने लोग के पास, बस पूरी हो गई थी अंधेरे में। मजे में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो तुम? अपने लोग कहाँ है यार? कोई आदमी रे कहाँ है? बोलो चंडीगढ़। वी आर इन चंडीगढ़ एंड अब अपन लोग जाएंगे यहाँ से शिमला, क्योंकि मनाली की बस में बैठा था पर सुसु लग गई थी। मतलब कि बस में बैठने से पहले भाई पानी वानी तो पीना ही मत, क्योंकि सुसु बहुत जल्दी आ जाती है। पूछ लेते हैं, भूख भी थोड़ी बहुत आ गई है। ऐसा तो मैंने मुर्गा दुर्गा ठूस के आया था, पर अभी भूख तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। ओ रोशन रोशन मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन ले भाई। यार ये लड़का मेरी बात तो सुन ले। कुछ खा के आ जाते, उस पर कंफर्म कर। बस नहीं है देखा जाएगा, रात मिलेगा, रात यहीं गुजार देंगे और कुछ। तो गाइस ये रहा भोजनालय, यहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे। चले फिर चलते हैं, ये रहा देखते हैं यहाँ पे गर्म गर्म क्या मिल जाती है। जो भी गर्म मिल जाए चल ले अंदर। ये अपन लोग के पास आ गया अपना दाल मखनी, दाल मखनी पनीर पुलाव मिठाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देख लियो उन्हें, दाल मखनी से पहले सोचे कुछ समोसे खा लो, पर यहाँ का जला हुआ समोसा देखे तो यार मन ही नहीं करता खाने का। ये रहा आपने रामू भैया, बहुत अच्छी इनका दुकान लगा, यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जब भी चंडीगढ़ आओ एक बार रामू भैया की दुकान जरूर विजिट करना। और ये भैया का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, धर्मेंद्र नाम है भैया का, बहुत अच्छा लगा। इनका दुकान है, जब भी आओ विजिट करो। बाय भैया। ये रहा अपना रोशन एंड ये लड़ा शिमला का टिकट। अभी ये लगी अपनी बस, मतलब ये अपनी कार, ये सवारी, अब होएगा डांस। ओके तो चलते हैं, यहाँ पे अभी शिमला का टिकट सबसे पहले लेंगे। ये रहा अपना टिकट फ्लाइट का। ये रहा अपना फ्लाइट, इससे अपन लोग चढ़ेंगे। और स्मोकिंग एरिया ढूंढ रहा है रोशन जी, साला सिगरेटबाज। फर्स्ट ब्लॉग में बताया था बहुत बड़ा सिगरेटबाज है। सीट देख लेते हैं, ले क्या। ये रहा अपनी बैग छुटी पड़ी थी, नज़र भी नहीं आती अपनी बैग किधर को रहती है। ये रहा ला भाई मेरी बैग दे दे। चलो 1 लाख की सेविंग हो गई, क्योंकि इसमें अपना DSLR था। टिकट कटी पड़ी है, रोशन ढूंढ रहा है कोई अड्डा सा। तो मिला अपना भैया जो शिमला के पहले है। भैया आपका नाम क्या हुआ ये बताओ? बिमोल भाई, शिमला से हो आप। तो ये बताओ शिमला में घूमने की जगह कौन कौन सी है? बाईपास उतरे, हाँ बस की। ओके भैया वहाँ उतरे, हाँ फिर रूम लिया वहाँ मिला ठीक है, तो होटल वगैरह मिल जाएंगे। हाँ तो सुबह उठ के तुमने जाना सबसे पहले एडवांस स्टडी। हाँ बस में बस मिल जाएगी, टूटू या फिर बालूगंज बोलना, एडवांस स्टडी बोलना। हाँ 10 मिनट में पहुँच जाओगे, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा तुमने, बस थोड़ा घूम घाम के म्यूजियम वगैरह बहुत अच्छी लगा, मुझे फोटो दिखाता था। हाँ और उसके बाद तुम वहाँ से घूम के फिर तुम जाओगे मॉल रोड, शिमला का जो मेन मोड है। या वहाँ हमने चर्च देखा पूरा, नीचे एडीजी देखा, टिकट बताया देखा, फिर तुम्हें ये करते करते शाम हो जाएगी, फिर तुमने जाना शाम को तुम्हें आधा घंटे चढ़ना पड़ेगा जो है जाकू टेम्पल पर। हाँ पूरे शिमला से दिखता है हनुमान जी का टेम्पल है जी, गदर जगह वो हो गया। रात होगी सो जाओगे, पता नहीं पर जिंदगी भर रहे, पता नहीं 15 दिन की छुट्टी मिली है कॉलेज में, बस जितना दिन है वहीं गुजारना है। ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम जाओगे कुफरी। स्नोफेल का कुछ सीन कहाँ पे? या चुदाक की साइड में होगा। हाँ जरूर जरूर जरूर, आपका इंस्टाग्राम आई